आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थित पाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना अब जमकर कहर बरपा रहा है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई जिलों में 22 जुलाई से लॉकडाउन होने के बाद भी प्रदेश में बीते 6 दिन के दौरान 2000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जाहिर है स्थितियां काफी खराब है। इस बात को भूपेश सरकार भी बखूबी समझ रही है। ऐसे में जो जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं वहां लॉकडाउन को 8 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी जो लॉकडाउन 29 जुलाई को खत्म होने वाला था वो अब 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि वायरस से बचने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, और अगर इसी तरह बार बार जिंदगी लाख होती रही तो रोज कमाकर खाने वाले लोगों का क्या होगा। सरकार उनकी रोजी रोटी के संकट को दूर करने के लिए क्या करेगी। आज इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां सावन सूखा सूखा जा रहा है और किसान बेचैन है। दरअसल प्रदेश में बेमौसम तो खूब बारिश हुई, लेकिन अब जब मेघ बरसने चाहिए तो इंद्रदेव रूठ गए। ऐसे में किसान सबसे ज्यादा चिंतित है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर सावन खत्म होने पर भी वर्षा नहीं हुई तो वो अपनी फसल को बर्बाद होने से कैसे बचाएंगे, और फसल बर्बाद होने पर जो आर्थिक संकट खड़ा होगा उससे वो कैसे निपटेंगे। क्या सरकार इन किसानों पर मेहरबानी होगी, क्या इन्हें परेशानी से उबारने के लिए कोई नई योजना या कर्ज माफी की पहल फसल स्वराज सरकार की ओर से होगी। आज इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां लाइफ लॉक है। तो छत्तीसगढ़ में बेलगाम होते जा रहे कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए भूपेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय बैठक में। प्रदेश में कोरोना का कहर इस कदर है कि अब स्वास्थ्य महकमे की ओर से जांच के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट लगातार पेंडिंग होती जा रही है। इधर विपक्ष कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगा रहा है। बहरहाल कोरोना काल में सरकार के प्रयास कितने दमदार हैं और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कितने जायज है, इस पर गंभीर चर्चा करें। इसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शहर शहर कोरोना का कहर है। संक्रमितों की संख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कुल केस 8000 के करीब पहुंच गए हैं। इसमें 2750 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्थिति तब है जब राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हालात फिर भी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। 22 से 27 जुलाई के दौरान ही पूरे प्रदेश में 2000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि स्थितियां काफी खराब है। ऐसे में भूपेश सरकार ने एहतियातन ज्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष बेलगाम वायरस को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रामक है। बीजेपी कोरोना काल में सरकार की व्यवस्थाओं को फेल बता रही है। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि वो धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते और सरकार इसी का फायदा उठा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो लॉकडाउन तोड़कर बाहर भी आ सकते हैं। विपक्ष के इस बार पर सत्ता पक्ष ने जोरदार पलटवार भी किया है। मैं भूपेश बघेल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। रायपुर लोकसभा के लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों के घर के अंदर में एक वातावरण खराब हो गया, डिप्रेशन में आ गए लोग जो है। आज हमारी मजबूरी है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो हम लॉकडाउन तोड़ के अगर बाहर आए तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अब सुनील सोनी जी देर से हाथ जोड़े हैं, नमस्ते ट्रंप के पहले अगर वो हाथ जोड़ लिए होते तो हिंदुस्तान में कोरोना का प्रवेश ही नहीं होता।
छत्तीसगढ़ में हालात ऐसे नहीं हैं कि सरकार पलक झपकते ही कोरोना पर काबू पा ले। संभावित संक्रमण को लेकर जितनी तैयारी की गई है उसके हिसाब से वायरस पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोरोना के नए केस अगर इसी तरह तेज रफ्तार से सामने आते रहे तो आने वाले समय में स्थितियां बहुत बिगड़ भी सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लाइफ ही लाख आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर सीधे जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां के टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंहदेव साहब। वहीं बीजेपी से रायपुर सांसद सोनी जी हमारे साथ हैं। सोनी जी आपका बहुत स्वागत है, और हमारे संपादक छत्तीसगढ़ के मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ। सबसे पहले सिंहदेव साहब आपसे ही सवाल है, क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? हालांकि आप छत्तीसगढ़ सरकार बहुत संवेदनशील है, मान सकता हूं, कोरोना से लड़ना है, कोरोना महामारी है, जो भी उपाय किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं आप, वो किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहां यह है कि इस लॉकडाउन से जो रोजमर्रा के कमा के खाने वाले हैं, परिवार चलाने वाले हैं, वो ज्यादा मर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट ठीक है बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से ज्यादा महामारी दूसरी तरफ आ रही है। सिंहदेव साहब, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हो सकता कि दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। तकलीफ हो सकती है, रोजगार अगर प्रभावित होता है तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस लॉकडाउन के पहले का एक जो था वो यही था कि आम लोगों के बीच में से ये बहुत तीव्रता से बात आ रही थी, और विशेष करके शहरी क्षेत्रों में, कि आप लॉकडाउन लगाइए। मरीजों की तब उस समय देश में लॉकडाउन था, जब आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, तो जो नागरिक असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे थे उन्हीं की बात को संज्ञान में लेके सरकार स्थिति का भी आकलन किया कि केसेस बढ़ रहे हैं जो एंटिसिपेटेड थे। ऐसा नहीं था कि अचानक से कोई चीज हो गई, ये पहले से हम लोग बोलते भी आए हैं, साझा करने की कोशिश भी करते रहे हैं, मीडिया में भी इस बात को रखते रहे हैं कि बाहर से बड़ी मात्रा में जब मजदूर हमारे आएंगे तो संक्रमण फैलेगा, अर्थात संख्या में पॉजिटिव लोगों को आप ज्यादा संख्या में देखेंगे, और वो जो संक्रमण फैलने की बात है, हम अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड से बचे हुए हैं, क्योंकि अभी भी 90% से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं या तो बाहर से आए हुए लोग हैं या उनसे संपर्क में आए हुए लोग हैं, तो कम्युनिटी स्प्रेड के दायरे में कि हमको पता नहीं कहाँ से संक्रमण हुआ, कौन हमारे संपर्क में आया या हम किसके संपर्क में आए और हम संक्रमित हो गए, ये अभी भी ये खैर है, या हम कहें कि हम लकी हैं कि ये प्रतिशत अभी भी 6-7%, 5-6% से ज्यादा नहीं हो पाया है। तो प्रयास चल रहे हैं, बड़ी मात्रा में संक्रमण टेस्टिंग जैसे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी देश के तुलना में, और जैसे हर जगह देश में व्यवस्था थी, एक समय था 200 टेस्ट हो रहे थे, 1000 टेस्ट हुए, 2000 टेस्ट हुए, 3000 टेस्ट हुए, आज 5000 टेस्ट हो रहे हैं। तो जब संक्रमित लोग भी हमारे बीच में आए हैं और टेस्ट की भी संख्या बढ़ रही है, तो पॉजिटिव कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो मान के ही चला जा रहा था कि संक्रमण को ग्रहण करके बहुत सारे नागरिक वापस आ रहे हैं। इस टेस्ट की संख्या जो करीब 5000 के आसपास है, इसको 10000 के ऊपर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, तो आने वाले दिनों में तो और पॉजिटिव केसेस आएंगे। उसको विफलता से देखने के बनस्पत इस नजरिए से देखना चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है कि हम पता तो कर पा रहे हैं, जो शुरू से कहा जा रहा था कि टेस्ट 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 टेस्टिंग करिए और टेस्टिंग करिए और टेस्टिंग करिए, वो WHO की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बातों को अमल करने में अब हम उस स्थिति में तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा था कि दक्षिण कोरिया जो टेस्टिंग के मामले में काफी आगे था, एक समय 2000 टेस्ट कर रहा था 1 मिलियन में, 10 लाख लोगों के बीच में 2000 टेस्ट, बढ़ा के उन्होंने 7000 किया, तो हम लोगों ने 7000 को लक्ष्य माना था। आज छत्तीसगढ़ में 10000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है 10 लाख आबादी के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग के क्रम को हमने नहीं बढ़ाया है, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि प्रभावित लोग जब प्रदेश में आए हैं और आज भी सिलसिला चालू है, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो आपने कहा कि ये चक्र को जीवन के रोकने की बात, तो हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रहे हैं,
लोग शादियों में जा रहे हैं, पारिवारिक कारणों कार्यों में जा रहे हैं, उनको फिलहाल नहीं रोका जा रहा है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। तो यही लोग हैं जो दुर्भाग्य से संयोग से संक्रमण को लेके वापिस भी आ रहे हैं। तो इस कारण से आने वाले दिनों में मैं बिना हिचक के, क्योंकि इसको छुपाने की कोई बात मुझे नहीं लगती, टेस्टिंग जैसे आप बढ़ाएंगे संक्रमित लोगों की संख्या आपको बड़ी हुई दिखेगी। ऐसे ही बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने बिस्तरों की व्यवस्था की थी, अब वो चुने हुए क्षेत्रों में ज्यादा दबाव में है। पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 से 22,000 बिस्तरों की व्यवस्था है, पॉजिटिव केसेस 2,500 हैं, लेकिन रायपुर जैसे शहर में 1500 के ऊपर केसेस जा रहे हैं। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बिस्तरों का यहाँ करना पड़ेगा। ये अब स्ट्रेटेजी लेके भी सरकार चल रही है, रायपुर में कम से कम 6,000 हम बिस्तर चिन्हांकित कर सकें, दुर्ग जैसे शहर में 3,000 से 4,000 बिस्तर हम तैयार कर सकें। जहां जहां संक्रमण का सेंटर बन रहा है, और ये मैंने और चैनल में भी साझा किया था कि मान लीजिए 1,000 पॉजिटिव रोज आते हैं, अभी रायपुर में ये करीब 200 के आसपास है, रायपुर में अगर 1,000 पॉजिटिव आएंगे तो डिस्चार्ज भी होंगे, बैलेंस अगर 600 का रहता है कि 1,000 आ रहे हैं 400 डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो 600 प्रतिदिन अगर पेशेंट्स आते हैं तो 10 दिन में 6,000, तो कम से कम उतनी की तैयारी रहनी चाहिए, 10,000 को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों को लेके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सुरेश सोनी जी हैं, लेकिन हमने आज जो आपने कहा ना कि रोजमर्रा का जीवन थोड़ा बहुत प्रभावित है, ज्यादा प्रभावित नहीं है, मैंने बात की है उनकी, बात की है खुमके वालों की, बात की है बूट पॉलिश करने वालों की, बात की है जो मजदूरी करते हैं प्राइवेट उसमें, मैंने बात की है उनकी जो पान बेच करके अपना 10 लोगों का परिवार चलाता है, तो उन लोगों की स्थिति जो हो गई है, उनके पास आप भी जानते हैं ज्यादा जमा पूंजी नहीं रहती है, फिलहाल इस महामारी के दौर में जमा पूंजी से वो अपना पेट भर रहे होंगे, और वो बीपीएल कार्ड धारक भी नहीं है, उनकी स्थिति जो जिस तरह से खराब हो रही है उसके लिए मैंने आप सवाल किया था, लेकिन सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, आपने कहा है, भूपेश सरकार को आपने चेताया भी है कि अगर हम लॉकडाउन तोड़ करके बाहर धरने पे बैठ गए तो समझ लेना पूरी जिम्मेवारी भूपेश सरकार की होगी। अरे लॉकडाउन तोड़ के क्यों आप बाहर बैठेंगे, आप क्या चाहते हैं सरकार से और कि सरकार ने क्या कमी की है? देखिए, वर्तमान में अभी पीएस साहब ने भी इस बात को कहा जी, हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था भी तो करना होगा ना जी, कि आप कह रहे हैं 6,000 बिस्तर की जरूरत होना चाहिए रायपुर में, आने वाले दुर्ग में होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन करना चाहिए ना, प्रश्न ये है मेरा। अभी मैं मुश्किल से 20 मिनट हुआ है और मेरे पास में फोन आया दिवंगत दंपत्ति लोगों का कि उनको जो है वहां पे पॉजिटिव आया है, पत्नी को अलग अस्पताल में भेज रहे हैं, पति को अलग जगह भेज रहे हैं, और ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां लालपुर में ऑलरेडी वहां कहा जा रहा है, बिरगांव में कहा जा रहा है कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा व्यवस्था की बात। और वो अगर मान लीजिए कि कहते हैं हमको एक तरफ रखिए, तो जो कर्मचारी, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब वो थक गए हैं, अब उनके पेशेंस जो अब समाप्त हो रहा है, तो ऐसे लोगों के पेशेंस को भी सरकार को बात करके कि आपकी क्या दिक्कतें पैदा हो रही है उससे भी पूछने की जरूरत है आपको। तो आज व्यवस्था कोरोना बढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, कोरोना बढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं। बार बार कहा इस बात को कि रायपुर लॉकडाउन हो गया, सोनी जी आपने कहा कोरोना बढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं, रायपुर लॉकडाउन हुआ, हाँ मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी जी, एक मिनट, लॉकडाउन हुआ ठीक है, लेकिन आज शराब की दुकानें बाजू के जितने क्षेत्र हैं, चाहे माना हो, चाहे हमारा अभनपुर हो, खरोरा हो, दरसिवा हो, सब इस बाजू में कुमारी हो, सब तरफ शराब दुकानें खुली है। आज शहर की जो महामारी है उसको जो है हम बाजू गांव में ले जा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं हम, उन गांव वालों ने इतनी भीड़ कभी नहीं देखा साहब, जो मेरे पास में बार बार फोन आ रहे हैं कि साहब हमने इतनी भीड़ है यहाँ पर, और लॉकडाउन इसलिए हुआ है
क्योंकि वहां मरीज बढ़ रहे हैं, तो हमारा गांव क्यों खराब कर रहे हैं, हमारे एक भी व्यक्ति नहीं है जी। तो ये जो व्यवस्था है इस पे मेरा प्रश्न चिन्ह है कि आज आपको व्यवस्थित बेड बढ़ाने चाहिए और कम से कम जो लोग के घर के अंदर संक्रमित निकले हैं उस घर का जो है टेस्ट हो जाए प्राथमिकता के आधार पे, उसका एक दो दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए तो उनके दिमाग में जो एक भय है और जिससे वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, टेस्ट के बाद रिजल्ट आ ही रहा है, से बाहर आएगा उसका भय समाप्त होगा। टेस्ट के बाद रिजल्ट आ ही रहा है, ठीक है 10,000 टेस्ट हो रहे हैं, अरे साहब 250 पेंडिंग हो जाते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन उतने 9,000 तो आ रहे हैं। नहीं 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 त्रिपाठी जी, आपका जानकारी मैं बढ़ा देता हूँ जी कि यहाँ पर मिनिमम 5 से 7 दिन 10 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने में। और पीएस बाबा हमारे प्रभारी है बलौदा बाजार जिले के जी, वहां पे भाटापारा बलौदा बाजार के अंदर में मैं आज बहुत प्रमाणित तौर पे कह रहा हूं, पिछले 8 दिन पहले टेस्टिंग हुआ है जिसका रिपोर्ट आज तक के नहीं आया जी, ये प्रमाणित कह रहा हूं। और वहां का प्रशासन से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा साहब वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप टेस्टिंग करिए, अभी टेस्टिंग रोक दीजिए। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं इस लाइन को कहा है। तो ऐसी लड़ाई ऐसे अपन अगर लड़ेंगे तो बहुत सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे, मेरा निवेदन है ये बात का। मैं कोई इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मिलकर लड़ना होगा। सोनी जी ऐसे जो हमको जानकारी और है, आज आज हमको और जानकारी आज, है सोनी जी भोपाल इंदौर कहीं रायपुर से बहुत ज्यादा संक्रमित है। जो जानकारी है टेस्टिंग के बाद जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट होती है उनको तो तुरंत मैसेज किया जाता है, लेकिन निगेटिव जिनकी रिपोर्ट है, अगर ईमान ने 2 दिन या 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है तो ईमान से चला जा रहा है यहाँ कि उनकी निगेटिव रिपोर्ट है। पॉजिटिव रिपोर्ट जिनकी होती है उनकी तुरंत दे देती है, ये हमें जानकारी है ऐसा। अब आपके रायपुर में क्या है सिंगल साहब मैं पूछ लूंगा, लेकिन जो भूपेश सरकार ने लॉकडाउन किया है फिर से 7 दिन के लिए, उससे आप सहमत हैं क्या? देखिए लॉकडाउन का मैं विरोधी नहीं हूं जी, लेकिन इसका लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि कंटेनमेंट जोन की हमको अधिक से अधिक टेस्टिंग करना चाहिए इस लॉकडाउन के अंतर्गत, ताकि जो है व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है तो और ज्यादा संक्रमण ना फैले, टेस्टिंग होके जो अगर बीमार है वो अस्पताल में जाए और बाकी लोग स्वस्थ है वो शहर में रहे, तो वो घूम घूम कर गोल गोल घूम के और संक्रमण ना फैलाए, इसलिए लॉकडाउन ठीक है। लेकिन टेस्टिंग होगा तब तो हमारा रिजल्ट सामने आएगा ना। सिंगल साहब सुन रहे हैं आप सोनी जी की बात, अगर नहीं सुन पाए हो तो आप बताइए, मैं सवाल दोहरा देता हूं। उनका ये कहना है मुख्य बिंदु ये है कि रायपुर को तो लॉकडाउन कर दिया ठीक है, रायपुर जिले को आपने, लेकिन रायपुर जिले से जो लगी हुई शराब की दुकानें हैं अगर उसका दायरा थोड़ा और आगे बढ़ा देते उनको भी बंद कर देते उन गांवों में, रायपुर से कम कोरोना वहां प्रवेश नहीं करे, या जो भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला ही खत्म हो जाता है। टेस्टिंग को लेके बार बार वो सवाल उठा रहे हैं कि टेस्टिंग 7-7, 8-8 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें ज्यादा तेजी से टेस्टिंग हो, बिस्तरों की व्यवस्था ज्यादा तेजी से हो, बिस्तरों की व्यवस्था होना चाहिए की जगह हो जाए, ये चाह रहे हैं वो आपसे। त्रिपाठी जी उतने जितने लोग हैं उसकी बिस्तर की व्यवस्था हो चुकी है और उससे ज्यादा बिस्तर आज भी रायपुर में है। आगे के दिनों को देख के मैंने उन आंकड़ों की जानकारी पेश की थी कि जब केसेस इतने हो जाएंगे तो उतने के लिए भी हम लोग तैयारी रखना चाह रहे हैं उतने केस होने के पहले। आज भी रायपुर में ऐसी स्थिति नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति है और उनको बिस्तर नहीं है, व्यवस्था नहीं है सरकारी जहां वो जा सके, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। उससे हम लोग आगे हैं, लेकिन और आगे रहना है, प्रशासन की व्यवस्था और आगे रहनी चाहिए। दुकानों की बात उन्होंने कही, इस दरमियान मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों से सकारात्मक सुझाव भी है। एक दिन ब्रिजमोहन जी का फोन आया था और उन्होंने पॉजिटिव सुझाव रखे थे, अभी चैनल में सोनी जी के साथ भी मान जी, तो ये अच्छी बात है कि हमारे अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारा के लोग पॉजिटिव बात करके कैसे सुधार कर सकते हैं उस दिशा में चिंतन कर रहे हैं जी। आपने शराब दुकानों की बात कही तो ये आज बात सामने आई है
प्रशासन की भी जानकारी में होगी, मैं भी अवश्य रख दूंगा शासन की जानकारी में कि विभाग दूसरा है, लेकिन ये बात आ रही है कुछ हद तक स्वास्थ्य से भी मामला जुड़ता है, लोगों की चिंता है तो इस पे हमको विचार करना चाहिए। और बिल्कुल ये सही बात है कि जो संक्रमण का अभी क्रम देखने को मिला वो शहर में पहले जब हुआ, ग्रामीण लोग जब शहर में काम करने के लिए आ रहे थे तो उनमें संक्रमण पाया जा रहा था, सीधे तौर पे वो बाहर नहीं गए, छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं गए, संक्रमित कैसे हुए कि वो दूसरे प्रदेश में तो नहीं गए लेकिन दूसरे वातावरण में गए जिसका नाम था रायपुर उदाहरण के लिए, और रायपुर के ऑफिस से, रायपुर के बाजार से, रायपुर की दुकान से जहां वो काम कर रहे थे वहां संक्रमण लेके गांव तरफ भी गए। अब ये दूसरा जो सिलसिला सोनी जी ने बताया कि शराब की दुकानों के माध्यम से शहर के लोग अगर गांव में जाके वहां फैला सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में उन्होंने बात लाई है, तो विचार उसको आगे ले जाएंगे, बात रखेंगे और कार्रवाई भी जरूर होगी, मेरे को विश्वास है। टेस्टिंग की जो बात आ रही है इसमें देखिए स्थिति बड़ी क्लियर है कभी कभी विरोधाभासी बात भी आ जाती है, ये टेस्टिंग हो कैसे रही है, जितनी हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो कभी ब्रेकडाउन हो जाए किसी कारण से तो बात अलग है, मान लीजिए 5000 टेस्टिंग हम दिन में कर सकते हैं तो प्रदेश के 28 जिलों को एक टारगेट दिया रहता है कि आप परिस्थिति के हिसाब से इतने ही सैंपल एक दिन में भेजें, अलग अलग सेंटर में भेजें जहां जहां व्यवस्थाएं हैं 5000 टेस्ट करने की, ताकि वहां पर उतने उन लैबोरेटरीज के टेस्टिंग करने की क्षमता के हिसाब से सैंपल टेस्ट किए जा सके। कहीं अगर उससे ज्यादा सैंपल चले जा रहे हैं तो ये दिक्कत होती है, और मैं इस बात को भी स्वीकार करने में हिचक नहीं रखूंगा कि जो सोनी जी ने कहा, मेरे पास भी ये जानकारी आ रही है कि कुछ प्रकरण रायपुर में हो सकता है दबाव में टेस्टिंग ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर टेस्टिंग किए हुए सैंपलों की रिपोर्ट जो आपने कहा वो भी सच्चाई है कि पॉजिटिव का तुरंत चला जाता है, अगर नहीं आया तो मानना चाहिए कि नेगेटिव है, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि हमको पता चल जाए। तो इस दबाव में कहीं ना कहीं अगर रिपोर्ट देने में कमी आ रही है उसको हम लोग जरूर दूर करेंगे। दूसरा, टेस्टिंग की कैपेसिटी फिक्स्ड है, कहाँ कहाँ लैबोरेटरीज में कितने हम एक दिन में टेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से सैंपल मांग रहे हैं, कहीं मिसमैच अगर हो गया है कि रायपुर में हम 2000 टेस्ट कर सकते हैं लेकिन 4000 सैंपल आ गए तो ये रोकना पड़ता है, और ऐसे भी आदेश बीच में दिए गए कि अब सैंपल ना लिया जाए, सोनी जी ने उसका भी उल्लेख किया तो कि कहीं कहीं बोला गया है कि टेस्टिंग अभी मत करिए, उसका कारण यही है कि अगर हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं है तो हम सैंपल भी अगर ले लेंगे तो बैकलॉग के रूप में रह जाएगा, लोगों को फिर वो असंतोष होता है कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो प्रयास ये है कि ऐसी दिक्कतें कम से कम नागरिकों को आए और इतने बड़े काम में कहीं कमी ना हो, ये भी शायद संभव नहीं है जी, कमियां ऐसी कम से कम हो और लोगों को दिक्कत कम से कम हो, ये हमारा प्रयास है। और बलौदा बाजार की भी जो जानकारी सोनी जी ने दी मैं उसको भी जरूर चेक करा लूंगा, मैं उनसे ले भी लूंगा डिटेल, और क्यों नहीं टेस्टिंग की रिपोर्ट गई, क्यों वहां पर उनको रिपोर्ट नहीं मिल पाई, मैं जरूर उसकी जानकारी लूंगा। वो ये कह रहे हैं कि पति और पत्नी को अलग कर दिया कोरोना ने, जी ये भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने, मैं भूल गया था उस बात को जी। ये एक ऑब्वियस बात है कि कोई ऐसे सेंटर में पति जा रहे हैं जहां महिला के लिए जगह ना हो तो बात अलग है, लेकिन ये तो सामान्य संवेदना की बात है, ये चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सोनी जी, आपने सुन लिया, कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ सिंहदेव जी राज परिवार से भी हैं और सरल और सहजता के बाद स्पष्टवादिता के भी द्योतक हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष ने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, आपका भी नाम लिया, बिजमोहन जी का भी नाम लिया, ऐसी स्थिति में अब विपक्ष से हम अपेक्षा रखते हैं कि सुझाव दे सिंहदेव जी को आरोप के अपेक्षा, सोनी जी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे सुझाव हमको देते हैं और देना भी चाहिए जी, क्योंकि ये लड़ाई में हम राजनीति नहीं चाहते जी, और आज जिस तेजी के साथ में रायपुर बिगड़ा है, और अगर एक चीज और मैं सिद्धेश साहब के नॉलेज में लाऊंगा जी, कि अभी मैंने कुछ हस्तक्षेप करके मैंने भाटापारा के कुछ लोगों की टेस्टिंग को, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, प्राथमिकता पे निकाला, ये सारे पॉजिटिव आए हैं, तो अगर हम कहेंगे कि
अब जब तक के जो पेंडिंग टेस्टिंग है उसका जब तक के रिजल्ट नहीं आता तो हम नई टेस्टिंग न करें। तो जहां पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन है, परिवार में पॉजिटिव है, ऐसे सारे लोगों को हमको प्राथमिकता क्रम में रखना होगा। अगर हमारी कैपेसिटी कम है तो बालको अगर तैयार हो गया टेस्टिंग के लिए, MMI तैयार हो गया, तो प्राइवेट स्तर में भी हमको हायर करके सरकार को पैसा देना पड़े, पैसा देना चाहिए। इसमें आपको सरकार को पैसा बचाने की ओर नहीं जाना चाहिए। आप मान लीजिए कोई सुविधा हमको देना चाहते हो उसको कम कर दीजिए, जिंदा रहेंगे तो आगे जाके सुविधा मिलेगी ना जी। नहीं तो ये सुविधाएं हमको मिलेगी कहाँ से? तो हमको पैसा देना है तो एक बजट को हमको कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके लैब अगर है तो वहां पे हमको हायर करके उनको भी हमको टेस्टिंग बढ़े इस ओर उनको भी हमको जोड़ना चाहिए। ये भी मेरा एक सुझाव है। सोनी जी, एक हमारा सवाल यहाँ है। सवाल इस बात का है कि आप भी जान रहे हैं इस कोरोना के महामारी के दौरान GST जैसे बहुत सारे मामले जो पैसा मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को लंबित है। अब राज्य सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या आप केंद्र सरकार मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे कि इस महामारी के दौर में छत्तीसगढ़ को स्पेशल कुछ पैकेज दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे अभी प्रधानमंत्री केयर के रूप में अभी मिला है पैसा, राज्य सरकार को मिला है जी। और ऐसे समय में मैं ये नहीं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी श्वेत पत्र जारी करें, आपको अभी तक कितना पैसा मिला है, क्या खर्च किया है, ये बाद में हम निपटेंगे जी। लेकिन वर्तमान में जो पैसा है जी, उस पैसे को जो है आप खर्च की ओर बढ़िए, ये मेरा सुझाव है। क्या भूपेश सरकार उसको तिजोरी में थोड़ी दबा रही है तो खर्च नहीं कर रही होगी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे? अगर जनता के बीच में आपने पीएम केयर फंड का पैसा आया है, आपने कहा कि नहीं सरकार को पैसा नहीं रोकना त्रिपाठी जी, ये मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब और आपके सवाल का जवाब TS बाबा बहुत अच्छे से देंगे। चलिए, हम बीच में नहीं पड़ रहे हैं बाबा साहब, आप खुद ही उत्तर दे दीजिए। माननीय सोनी जी जो कह रहे हैं, एक तो उन्होंने लैब के बारे में कहा, तो लैब के बारे में किसी भी प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराने में सरकार को ना तो परहेज है न पैसे की दिक्कत है। एक कारण ये है कि वो तो शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन से कि प्राइवेट लैब में टेस्ट कराइए, इतना रुपया दीजिए, और आयुष्मान से भी जोड़ दिया गया है और आयुष्मान से भी उसके पेमेंट हो रहे हैं, तो पैसे अलग से बजट का इसमें दिक्कत नहीं है, वो तो आयुष्मान पैकेज के अंतर्गत भी वो आ जाएगा और ऐसे डायरेक्शन दिए हुए हैं। ऐसे लैब की स्थापना के लिए जो औपचारिकताएं जरूरी रहती हैं वो निजी क्षेत्र के लोगों ने अभी तक नहीं की हुई हैं, और अगर वो करा के और ICMR से अक्रेडिटेशन ले लेते हैं, उनसे मान्यता ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी वो चालू कर सकते हैं और वहां पर टेस्ट भेजे जा सकते हैं। पहले भी आपको याद होगा कि 3 कंपनी थी, जैसे सभी को मालूम है लाल लेबोरेटरीज के बारे में, उनकी टेस्टिंग की आज से 4 महीने से अनुमति मिल रखी है जी। और उनको ओपन रखा है, लेकिन शायद ही कुछ सैंपल उनके यहाँ गए होंगे, और कारण ये है कि लैब यहाँ नहीं है, वो बॉम्बे भेजते हैं या कहीं बाहर भेजते हैं, और वहाँ की आप वही बैकलॉग की बात समझ लीजिए कि उनके पास ना जाने कितने वहाँ के सैंपल होंगे और बहुत देर से टेस्ट रिपोर्ट आती है। तो कोई इसमें बाधा नहीं है, कोई भी निजी क्षेत्र में अगर ICMR से अनुमति, लैब की जो आवश्यकताएं होती हैं, आहर्ताएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उनको पूरा करेंगे तो बिल्कुल वो करा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार से भी जो पैसे आते हैं, पैसों की व्यवस्था को लेके जितना उन्होंने आपदा प्रबंधन के माध्यम से उपलब्ध कराया, 320 करोड़ का बजट था, 75 जो राशि केंद्र सरकार से आती है 60-40 के रेशो में मेरे ख्याल से है, 75-25 के रेशो में, उसका व्यवस्था होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि 35% इस राशि का उपयोग कोरोना के काम में कर सकते हैं, तो वो 320 करोड़ रुपया का 35% 112 करोड़ रुपया हो सकता है, 150 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो चुका है उनके हिस्से की राशि और उसके अतिरिक्त राज्य की राशि इत्यादि, उससे ज्यादा और लगातार खर्चे की बातें हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैसे हम कहीं भी खर्चे से नहीं होने देंगे, कमी नहीं आने देंगे, हम व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, तो बात पैसे पे आके नहीं रुकेगी। और जैसा आपने कहा, अगर होगा तो हम और मांगेंगे, दिल्ली से भी सोनी जी से कहेंगे कराएं, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, आपने GST का भी हिंट दिया, लेकिन
मुख्य बात पैसे की फिलहाल नहीं है, पैसे के चलते कोई काम रुक रहा हो। अंततः आप कहिए कि जो आपकी कैपेसिटी है 10,000 की आप सोच रहे हो तो 1,00,000 टेस्टिंग करा लीजिए, तो वैसे व्यवस्था में जो पैसे लगेंगे उसकी जरूर कमी है। वैसे व्यवस्था के लिए पैसे फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य सामने है उसके लिए पैसे की कमी नहीं। चलिए सोनी जी, आपने श्वेत पत्र की बात कही थी, उन्होंने भी कहा श्वेत पत्र जारी नहीं कर रहे, उन्होंने बता दिया कि आपने कितना दिया था और हमने कितना खर्च कर दिया। खैर ये मुद्दा अलग है पक्ष विपक्ष का, अब आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए जब तक के लॉकडाउन के अंदर में उसका उपयोग करके उसका फायदा उठा के हम कंटेनमेंट जोन का हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम संदिग्ध लोगों को वहां पर चिन्हित करके उनकी टेस्टिंग करके अगर वो ठीक है यहाँ रहे नहीं है अस्पताल में जाए उसकी व्यवस्था हमको करनी होगी, तब जाके हमारा होगा। और ये जो शराब का जो मोह है वो मैंने कहा कि गांव तक के जा रहा है, ये पहले गांव की बीमारी कहते थे वो शहर में आई है, अब शहर से गांव की ओर जा रहा है। आपको गंभीरता से ये चार दिन से हम कह रहे हैं तो मानते क्यों नहीं है, प्रश्न ही है। आप कहते सुझाव अच्छा देते लेकिन मानेंगे नहीं, तो इससे नहीं होता ना हल ये होता है कि आप उसको सुझाव को तत्काल इम्प्लीमेंट हो उसका, तब जाके हम अरे भाई हम भी यही रहते हैं, हम कोरोना भाजपा कांग्रेस देख के नहीं आने वाला है, वो सबके लिए आने वाला है, तो हमको व्यवस्था तो करना ही होगा ना। चलिए मनोज जी की टिप्पणी लेते हैं, लेकिन आज सुनील जी आज हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, सिंधे साहब ने अपने जो उनका नेचर है उसके विपरीत जाके बड़े कटाक्ष भी नहीं किया, प्रत्यक्ष भी नहीं कहा, परोक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि कमी पड़ेगी तो और मांग लेंगे और सोनी जी हमारा सहयोग देंगे, तो सहयोग देने के लिए आप तत्पर रहिए, सहयोग देना पड़ेगा आपको। मनोज जी क्या बहुत संक्षिप्त तौर पे देंगे जी, मनोज जी बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी, जो भी सोनी जी ने आरोप लगाए हैं कि आसपास शराब की दुकानें हैं उनमें बड़ी भीड़ लग रही है, टेस्टिंग को लेकर कई बातें आई, हालांकि सिंधे साहब के उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या है? बिल्कुल सर, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं खासतौर पर अभी लॉकडाउन के दौरान देखने में आया कि पर डे रायपुर में ही 200 प्लस केस रोज नए आ रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, बहुत लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसके बाद भी जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, आज के दिन में 1340 पॉजिटिव केस है। तो जो सुनील सोनी जी के सुझाव है उसको जो है सकारात्मक रूप से लिया है सिंहदेव साहब ने, उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के जो डिस्कशन से जो सुझाव आए हैं और उन पर सरकार यदि काम करे तो आने वाले दिनों में स्थिति और सुधर सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, सुनील जी आपका और सिंहदेव साहब जी आपका भी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जल्द ही कोरोना को मात दें और कोरोना को भगाएं छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बड़े फैसले लेकर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर लगता नहीं है कि बेकाबू वायरस पर ब्रेक लग पाएगा। वही चिंता वाली बात यह भी है कि वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन आखिर कब तक किया जाएगा, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिंदगी अगर इसी तरह लाग रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब रोज कमाकर खाने वाले लोग दाने लाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस दिशा में सोचकर कोई ठोस कदम उठाए। वही विपक्ष को चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार को चेतावनी देने के बजाय वायरस के खिलाफ जंग में अपना सहयोग प्रदान करे। बहरहाल छत्तीसगढ़